नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आज का महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि बिंदु ए ए कमा जीरो जीरो कमा बी तथा यक्स वाई संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि यक्स बटे ए प्लस में वाई बटे बी बराबर है एक के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह सवाल जो है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है ये पूछा गया है 2020 में, ठीक है। ये 2020 में पूछा गया था और संभवतः तो यह 2023 में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग जरूर जान लीजिए, नोट कर लीजिए। बस आज एक ही वीडियो है ये, और इसको देख के जो है समझ जाएंगे आप लोग कि जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यदि तीन बिंदु हैं, अगर संरेख हैं, देखिए मान लीजिए ये तीन बिंदु हैं और एक ही रेखा पर हैं, तो इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वह जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इससे त्रिभुज बनेगा नहीं। अब बन भी जाता है अगर त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा, इससे त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। तो बस इसी सूत्र से हम लोग को तुलना कर देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? जीरो, ठीक है। तीन बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। इतना हम लोग को लिख देना है, लिखेंगे चूंकि चूंकि बिंदु मान लेते हैं हम लोग कि ये ए है, यह बी है और ये क्या है? सी है। यानी कि चूंकि बिंदु ए ए जिसका निर्देशांक मान लीजिए कि ए जीरो है, और फिर बिंदु बी जिसका निर्देशांक जीरो भी है, और क्या है तो बिंदु सी है जिसका निर्देशांक यक्स तथा यक्स वाई है, ओके यक्स वाई है। तो संरेख है, तो संरेख है, तो संरेख है तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। संरेख है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके और हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट बंद y1 y2 - y3 होता है, y2 - y3, y2 से शुरू करते हैं y3, अब प्लस में x2 रहेगा तो y3 - y1 हो जाता है, y3 - y1 हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो है x3 रहेगा तो y1 - y2 हो जाता है, y1 - y2 हो जाता है, ठीक है। और इसी सूत्र में और बराबर हम लोग कर देंगे, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही जो है क्या होगा? जीरो के बराबर होगा, बस हमारा सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर हम लोग क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। अब इसमें हम लोग मान भर देते हैं, ठीक है। तो मान अगर भरते हैं तो 1/2 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, x1 का मान देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका x1 और इसमें y1 होगा, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 होगा, और यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3 होगा, ठीक है। अब हम लोग x1 का मान अगर भरते हैं तो x1 का मान यहाँ पे a है, फिर y2 - y3, तो y2 का मान b है, माइनस में y3 का मान y है, ठीक है। फिर प्लस में x2 का मान देखें तो 0 है, और फिर y3 - y1 y3 का मान y है, माइनस में y1 का मान देखा जाए तो 0 है। फिर यहाँ पे प्लस लगा के x3 का मान देखा जाए तो x है, और फिर y1 - y2 तो y1 का मान देखा जाए तो 0 है, और माइनस में y2 तो y2 का मान क्या है? b है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट बंद
ए का इसमें गुणा करा देंगे तो ए बी माइनस में ए वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद से इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। फिर इसका इसमें गुणा करा देंगे तो यक्स का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यक्स का माइनस बी में गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस और माइनस, ये प्लस में यक्स है माइनस में बी है, तो माइनस में जो है यक्स बी हो जाएगा, यक्स बी हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे 0 के, बराबर क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर जो है इम्प्लाई करेंगे और 1/2 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए ए बी माइनस में ए वाई हो गया और फिर माइनस में एक्स बी हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया। उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, माइनस में ए वाई हो जाएगा और फिर माइनस में जो है एक्स बी हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब 1/2 को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो ए बी इधर हो जाएगा माइनस में, ए वाई इधर हो जाएगा माइनस में, एक्स बी हो जाएगा। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/1/2, यानी कि सब मिला के 1/2 से 0 में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है, चूँकि हम लोग को देखिए सिद्ध क्या करना है कि यक्स बट्टे ए अधन वाई बट्टे बी बराबर 1। और देखिए ए और बी का जो अगर हम लोग लॉसा निकालें तो ए बी होगा, ए बी का इधर गुणा कर दें तो आराम से इधर ए बी आएगा, आएगा ना। तो सब मिला के हम लोग पूरा समीकरण में ए बी से जो है, ए बी को जो है अगर हम लोग इधर ले आ लेते हैं, ए बी को इधर ए बी से भाग दे देते हैं तो आराम से इधर 1 आ जाएगा, इधर जो है बट्टे में आ जाएगा, यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इस ए बी को जो है इधर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में ए वाई हो जाएगा और माइनस में एक्स बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा, होगा। ए बी को हमने जो है पक्षांतर कर दिया है, ए बी को पक्षांतर कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इस सब माइनस में है तो सबको प्लस में लिख सकते हैं, पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये जो है पूरा जो है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब देखिए यक्स चूँकि पहले है यहाँ पे यक्स बटे ए, ठीक है। तो हम लोग यक्स के पद को पहले कर लेते हैं, माइनस में एक्स बी कर लेते हैं, माइनस में ए वाई कर लेते हैं, अब बराबर माइनस में ए बी कर लेते हैं। अब पूरा समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस में ए वाई अब बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर पूरा समीकरण माइनस से गुणा करेंगे तब जाके ये प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है हम लोग ए बी से जो है भाग दे देते हैं। तो देखिए यक्स बटे बी में ए बी से अगर भाग देते हैं, ठीक, तो ये जो है बी से बी कैंसिल हो जाएगा, धन ए बटे वाई में ए बी से भाग देते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए बी बटे ए बी करते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो यक्स बटे ए बचा अधन में वाई बटे बी बचा, बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। तो यही हमारा जो है सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध, इति सिद्ध, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही हमारा जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों का सब सब्जेक्ट जो है तैयार हो चुका होगा,
तो आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सवालों को देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सही से जो है मेहनत से जो है तैयार कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे अंक आए। तो जय हिंद दोस्तों।